नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बायोग्राफी में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिसने जब इटली से उड़ान भरकर भारत में कदम रखा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो भारत में भारत की ही सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष बनेंगी। और सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं बनेंगी बल्कि भारत की राजनीति में एक अहम केंद्र बिंदु भी बनेंगी। और ऐसा हुआ भी, और आज वो भारत में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और भारत की राजनीति आज उनकी इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इटली में कैसा रहा सोनिया गांधी का सफर, इस बारे में इस रिपोर्ट में देखिए। इटली में जन्म, इंग्लैंड में पढ़ाई और इंडिया के सबसे बड़े सियासी परिवार में शादी होने का गौरव जिस महिला को मिला, उनका नाम है सोनिया गांधी। नेहरू गांधी की विरासत और देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की कमान, सबसे लंबे वक्त तक संभालने का सौभाग्य जिस महिला को नसीब हुआ वो है सोनिया गांधी। अपनी सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की कुर्बानी का गम जिस महिला को उठाना पड़ा वो है सोनिया गांधी। भारत की राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसे बाहरी होने के बाद भी सम्मान से स्वीकार किया गया। उनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेसेंजा से कुछ दूर एक छोटे से गांव लुसियाना में हुआ। उनके पिता स्टेफिनो माइनो एक फासिस्ट सिपाही थे। सोनिया का बचपन ऑर्बसानो में गुजरा जो कि इटली से कुछ दूरी पर है। इसके साथ ही वो 1964 में इंग्लैंड चली गई जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई की। जी हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां पर पहली बार राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई थी। यहीं पर एक रेस्टोरेंट में दोनों ने एक दूसरे को देखा और पहली ही नज़र में दोनों में प्यार हो गया। और उसके बाद सोनिया गांधी इटली से दुल्हन बनकर, राजीव गांधी की दुल्हन बनकर भारत आई। यही वो वक्त था जब सोनिया गांधी की मुलाकात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुई और इस मुलाकात ने ही सोनिया गांधी की जिंदगी को बदल दिया। राजीव गांधी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब वो वहां के ग्रीक रेस्टोरेंट में गए और वहां उन्होंने सोनिया गांधी को पहली बार देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया। सोनिया गांधी के पिता स्टेफिनो माइनो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी राजीव गांधी से हो। उन्हें दोनों की शादी मंजूर नहीं थी क्योंकि वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे थे। आखिरकार 1968 में दोनों की शादी हो गई जिसके बाद सोनिया गांधी भारत आ गई और 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में एक अलग ही माहौल था। पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ था और हर कोई इंदिरा गांधी का वारिस ढूंढ रहा था जो न सिर्फ पार्टी को संभाल सके बल्कि देश को भी एक नई दिशा में ले जा सके। ऐसे में हर किसी की नज़र राजीव गांधी पर टिकी थी। लेकिन उस दौरान एक कश्मकश सोनिया गांधी के मन में भी थी कि जिस तरह के हालात बने हुए थे, जो परिस्थितियाँ बनी हुई थी, उसमें अपने पति को राजनीति में जाने के लिए कहना बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त सोनिया गांधी के मन में जो परिस्थिति थी उसमें एक तरफ देश के बारे में सोचना था, पार्टी के बारे में सोचना था और दूसरी तरफ अपने परिवार के बारे में सोचना था, अपने बच्चों के बारे में सोचना था, अपने पति के बारे में सोचना था। लेकिन आखिरकार सोनिया गांधी ने पार्टी को चुना, देश को चुना। कहा जाता है कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं ने जब राजीव गांधी से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का आग्रह किया था तो सोनिया ने अपने पति से विनती की थी कि वो प्रधानमंत्री ना बने क्योंकि सोनिया अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन 7 साल बाद वही हुआ जिसका सोनिया गांधी को डर था। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई जिसके बाद जब पार्टी के नेताओं ने सोनिया गांधी से कांग्रेस की कमान संभालने का अनुरोध किया लेकिन उन्होंने उनकी गुजारिश ठुकरा दी। पति की हत्या का घाव इतना गहरा लगा कि उन्होंने यहां तक कहा कि मैं अपने बच्चों को भीख मांगते देख लूंगी लेकिन राजनीति में कदम नहीं रखने दूंगी। सोनिया किसी भी कीमत पर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी लेकिन दिन पर दिन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती चली गई।
दुनिया उन्हें कायर ना कहे, इसलिए सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल ली। वो 1999 में पहली बार सांसद बनी। उन्होंने यूपी की अमेठी सीट से चुनाव जीता और लोकसभा में विपक्ष की नेता चुनी गई। इसके बाद 2004 के आम चुनावों में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने एनडीए को करारी शिकस्त दी। वो खुद इस चुनाव में सांसद बनी। 23 मार्च 2006 को सांसद पद से इस्तीफा देकर उन्होंने उपचुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। साल 2009 में वो भी रायबरेली से ही जीती और 2014 में एक बार फिर वो अपनी सीट पर जीतने में कामयाब रही। अपने राजनीतिक संघर्षों से पार पाने के बाद सोनिया गांधी के जीवन में एक वो दौर भी आया जब उन पर देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री देने का आरोप लगा। यह आरोप लगा कि मनमोहन सिंह के रूप में सोनिया गांधी ने देश को एक कमजोर प्रधानमंत्री दिया है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी का विदेशी मूल का होना कई बार चुनावी एजेंडा बना, लेकिन सोनिया गांधी ने कभी हार नहीं मानी और आज भी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी जैसी एक पुरानी और देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष है। 2004 में बात जब प्रधानमंत्री बनने की आई तो सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम आगे कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने यूपीए सरकार को मनमोहन सिंह का नेतृत्व दिया। इस दौरान कई तरह के आरोप भी लगे कि सरकार का संचालन वास्तव में गांधी परिवार ही करता रहा, मनमोहन सिंह तो मात्र कठपुतली प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नहीं बनने पर सोनिया गांधी का कहना था कि उन्हें मनमोहन सिंह पर खुद से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होने का भरोसा था। हिंदी भाषा पर सोनिया गांधी का कहना है कि शुरुआत में उन्हें हिंदी में बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन इंदिरा गांधी उनसे हिंदी में ही बात करना चाहती थी। यही वजह है कि सोनिया गांधी अब सही हिंदी बोल लेती हैं। राजनीति में कदम रखने के बाद कई बार उनके विदेशी मूल का मुद्दा उठाया गया, साथ ही उनकी कमजोर हिंदी को भी मुद्दा बनाया गया। 19 साल बाद सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद अपने बेटे राहुल गांधी के लिए खाली किया। राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2017 को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल ने यह पद छोड़ दिया, जिसके बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी इस पद की बागडोर संभाल रही है। सोनिया गांधी ने राजनीति में बखूबी जो अपनी जगह बनाई उससे न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि विरोधी भी हैरान थे। एक दशक से ज्यादा समय तक भारतीय राजनीति सोनिया गांधी के इर्द गिर्द घूमती रही। चलिए फिलहाल सोनिया गांधी की बायोग्राफी को लेकर इतना ही। अगली बार फिर किसी शख्सियत को लेकर आपसे मुखातिब होंगे। इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा और देखते रहिए न्यूज नशा। बाकी के खबरों के लिए, खबरों से जुड़ी हुई अपडेट के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।